हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत ही अच्छी सी सुबह है। बाहर की मैं आपको जो साउंड्स हैं, नेचुरल साउंड्स बर्ड्स की, वो आपको सुना सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है अगर ऐसे ना सुबह सुबह बाहर की जो ताजगी है उसको फील करो। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, पिछली वीकेंड क्या हुआ कि ये लोगों ने जो मल्च है ना यहाँ की, ये दूसरी मल्च डाली है। तो ये हर साल ये लोग समर में चेंज करते हैं, जैसे किसी को प्लांटिंग करनी हो तो ये जो मल्च होती है इसमें अच्छे से प्लांट वगैरह उगते हैं, ये खाद होती है एक तरह से। देखते हैं इस बार हम लोग अगर मन किया तो कुछ प्लांट वगैरह ले आएंगे। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि लाएंगे कि नहीं। तो ये मल्च जो है ये चेंज हो गई है। और अभी अराउंड सुबह के 7 बजे हैं। थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, ज़्यादा नहीं की, 15-20 मिनट मैक्सिमम बस। उसके बाद भूमि बहुत रोने लगी क्योंकि भूमि आज कच्ची नींद में ही जग गई, 5:15 पे ही जग गई है वो आज। तो उस टाइम 5:15 पे ही मैं जग गई थी, क्या करूँ, वो सोई नहीं उसके बाद। और उसके बाद फिर अब वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने 6:45 पे। तो मैंने उसका डायपर चेंज करके फीड करा के उसे फिर से सुलाया, तो अब वो सो गई है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं सिया के लिए पैनकेक्स बनाऊंगी। तो पैनकेक मिक्स जो है वो रखा हुआ था और मुझे आज वो ख़त्म करना है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उस पैकेट को क्या अलग से रखे रहूँ। तो आज उसको घोल देती हूँ और सिया के लिए बन जाएंगे और पुष्पेंद्र के लिए बन जाएंगे, इतना तो है। देखती हूँ, मेरे लिए नहीं होगा तो मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। लौकी रखी हुई है लंच में, मैं आज लौकी के कोफ्ते या फिर लौकी चना दाल, जैसे देखती हूँ क्या बनाऊँगी। पुष्पेंद्र बोल रहे थे कि लौकी के कोफ्ते बना लो, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं लौकी चना दाल ही बनाती हूँ। यहाँ पर है पैनकेक मिक्स का जो बैटर मैंने बना दिया है, इसमें मैंने हाफ पानी और हाफ होल मिल्क ऐड किया है। ऑल्सो मैंने लौकी निकाल दी थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, और अब मैंने इसका छिलका वगैरह भी निकाल दिया है। इसको मैं जैसे ही टाइम मिलता है अभी ग्रेट कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने लौकी को ग्रेट कर दिया है फटाफट से। और कोफ्ते बनाने के लिए इसमें अभी पानी बहुत है, तो बहुत बेसन वगैरह डालना पड़ेगा और फिर भी अच्छे से रोल नहीं होगा। तो इस वजह से जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो इस तरह से लौकी को ग्रेट करने के बाद एक कपड़ा लेके, अभी मेरे पास यही कपड़ा है, थोड़ा सा और पतला होता तो अच्छा रहता, बट अभी यही है। तो इसमें मैं ये सारा जो लौकी मैंने ग्रेट किया है ये डालूंगी और फिर अच्छे से टाइट हाथ से इसको ऐंठा मारते हुए निचोड़ दूंगी। तो इस तरह से लौकी जो है एकदम सूखी सूखी सी हो जाएगी। ऑल्सो यहाँ पर निकल गया है लौकी का पानी, और ये फेंकना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसको या तो ऐसे ही पी लें या फिर इसको ग्रेवी में यूज़ करें। इस पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स वाला पानी है। तो ये हो गया मेरा काम, और फटाफट से सिया के लिए मैं पैनकेक्स बना देती हूँ। मैंने उसे ब्रश वगैरह करवा दिया है, और जो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड रहती है। पैनकेक हो गया, पीनट बटर ब्रेड हो गया, इस तरह की चीज़ें, पनीर की सब्ज़ी हो गई, तो वो बहुत खुश है कि पैनकेक बन रहे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, और मैं इस तरह से इसको स्लाइसेस में पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर दूँगी, सो दैट उसको काफ़ी ईजी रहेगा खाने में। और इसके ऊपर मैं मेपल सिरप डाल दूँगी। पहले मैं हनी डालती थी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम मेपल सिरप लो, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है मेपल सिरप, और मेपल सिरप के साथ टेस्ट और ज़्यादा बढ़ के आता है। तो बस मैंने उसको सर्व कर दिया है। और जो उसके फेवरेट नाश्ते हैं, लंच डिनर जो भी हैं, अगर उसकी फेवरेट चीज़ है तो वो खुद बहुत आराम से अपने आप खाएगी, और अगर उसे पसंद नहीं है तो मुँह बनाते हुए हमें अपने आप खिलवाना पड़ता है कि ये लो ये लो। तो जो चीज़ें उसे पसंद है वो अपने आप खुद शौक से खाती है। तो यही है, बच्चों की पसंद धीरे धीरे डेवलप होती है। और 7:34 हो गए हैं, सिया को मैंने पैनकेक बना के सर्व कर दिया है और वो अपना नाश्ता फिनिश कर रही है। मीनवाइल आप देख सकते हो भूमि भी जग के आ गई है। तो
तो भूमि जो है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुलाया था, मेरे ख्याल से मुश्किल से 25-30 मिनट सोई होगी और फिर से जग गई है, तो शायद अभी थोड़ी सी नींद पूरी हुई है तो अभी खुश है। और आजकल उसके दांत निकलने को हैं, जैसे उसके गम्स ऐसे हो रहे हैं जैसे दांत निकलेंगे, तो थोड़ी क्रैंकी रहती है और उसकी इसलिए हैबिट्स वगैरह भी जो रूटीन्स हैं उसके डिफरेंट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अभी रो रही थी इसलिए एक दो पैनकेक्स और बचे हैं वो बना देती हूँ, उसको मैंने गोद में ही किचन में ले आई हूँ और केयरफुली एक दो पैनकेक फ्लिप करके बना दूंगी अभी। और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, ऑल्सो मैंने जो पैनकेक्स हैं वो बना के कैसरोल में रख दिए हैं, थोड़े वार्म रहेंगे। और मैं क्विकली शावर लेने के लिए जा रही हूँ, सो हस्बैंड बच्चों को देख रहे थे, मीनवाइल मैं क्विकली शावर लेके आ गई हूँ। और कल मैंने हेयर मसाज किया था तो मैंने सोचा था आज हेयर वॉश करूँगी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि आज थर्सडे है, सो आज मैं हेयर वॉश करके नहीं आई हूँ, कल करूँगी फ्राइडे को। तो इसलिए मैं अपने बाल कॉम करके चोटी बना लेती हूँ अभी फटाफट। और ये है भूमि का ब्रेकफास्ट, मल्टीग्रेन बनाना एप्पल स्ट्रॉबेरी का जो सीरियल है वो है, ये रेडीमेड है, इसको दूध में घोल के बस रेडीमेड है, देना होता है बेबी को। तो अभी 1:30 हो गए हैं और अब जाके टाइम मिल पाया कि अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, सो मैं शावर लेके आ गई हूँ, भूमि को खाना खिला दिया है मैंने। ऑल्सो मैंने सिया के लिए जो पैनकेक बनाए थे उसमें से बैटर सफिशेंट था तो पुष्पिंद के लिए और मेरे लिए भी हो गए हैं। और भूमि को फूड खिलाने के बाद भूमि को आजकल थोड़ा थोड़ा ना गम्स से भी कुछ कुछ खाने का मन करता है, तो मैंने जो पैनकेक था उसके बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े करके यहाँ पे डाल दिए हैं तो वो लगी हुई है, अदरवाइज रो रही थी। मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ ले आती हूँ और पुष्पेंद्र की आज सुबह से कुछ मीटिंग्स चल रही थी, अभी वो शावर लेने के लिए गए हैं तो आके वो भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं भी। उसके बाद देखती हूँ कब सोएगी भूमि, कुकिंग भी करनी है अभी, तो काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने वो ग्रेट करके ढक के रख दिया है लौकी, और उसका जो रस है वो निचोड़ दिया है पूरा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोफ्ते बना लूंगी, नेक्स्ट मैं ग्रेवी बना लूंगी। तो अब तो मैंने ग्रेट कर दी है, अब तो लौकी चना दाल की सब्जी तो बन नहीं सकती, अब बनेंगे तो कोफ्ते ही, अगर नहीं बनाने दिए बच्चों ने तो मैं फ्रिज में रख दूंगी उसको, ये होगा। तो जिस दिन कुछ सोचो ना कि आज ये काम कर लेते हैं तो उस दिन बच्चे और ज़्यादा ही तंग करते हैं, अदरवाइज इससे अच्छा तो लौकी चना दाल बना के सीटी लगा के ख़त्म करती। और ये है मेरा नाश्ता, तो मैंने यहाँ पर पैनकेक के ऊपर थोड़ा सा पीनट बटर लगा लिया है, सिया बहुत पीनट बटर खाती है तो कभी कभी हम भी ट्राई कर लेते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा मेपल सिरप डाल लिया है और साथ में है मेरी चाय। भूमि को मैं अपने पास बिठा के छोटे छोटे टुकड़े दे रही हूँ तो वो ऐसे लगी हुई है, पैनकेक काफ़ी सॉफ्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़े गम से वो चबा चबा के खा पाती है और उसको अच्छा लगता है आजकल काफ़ी, जो भी हम खा रहे होते हैं छोटे छोटे टुकड़े हम दें तो उसको इंटरेस्ट भी आता है। और सिया और भूमि दोनों खेल रही हैं, क्विकली मैं आ गई हूँ किचन में, जल्दी से कोफ्तों की तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 3-4 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ऑल्सो थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देती हूँ इसमें। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसके बाद मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी, अजवाइन से कोफ्तों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर ऐड करें। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और सॉल्ट मैंने अभी ऐड नहीं किया है। सो कोफ्तों को शैलो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है और ऑल्सो यहाँ पर मैं कोफ्तों का जो मिक्सचर है इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, पहले इसलिए ऐड नहीं किया था अदरवाइज लौकी पानी छोड़ जाती। सॉल्ट ऐड करने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इस तरह से गोल गोल से कोफ्ते जो हैं बना के प्लेट में रख लिए हैं और मैं आराम से हैंड वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में धीरे धीरे कोफ्ते जो है वो ऐड कर दूँगी, तो इस तरह से काफ़ी आराम से जो है वो कोफ्ते बन जाएंगे और ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा। और यहाँ मैं कोफ्तों को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है और मैं कोफ्ते बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, वंस इन अ वाइल ही बनाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ इनको। तो एक तरफ से सिक जाने के बाद मैं इनको पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लूँगी, और मीडियम फ्लेम रखा हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जो है कोफ्ते जल जाएंगे, अंदर तक नहीं सिकेंगे, सो लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएं, तो मीडियम फ्लेम है यहाँ पर और मैं इनको पलट रही हूँ अब।
और कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाने का तरीका मेरा बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टमाटर लिया है, तो टमाटर की जो है ग्रेवी सी बना लूँगी मैं चॉपर में, फाइन चॉप करके एक तरह से दरदरा पीस लूँगी। ऑल्सो मैंने हाफ अनियन ली है, जिंजर, हरी मिर्च और गार्लिक लिया है, तो उसकी ग्रेवी जो है दूसरी तरफ वो भी बना लूँगी। तो बस सिंपली इन 2 ग्रेवियों का यूज़ करके मैं कोफ्तों की ग्रेवी बनाऊँगी और बहुत ही यमी सी हमारी कोफ्ता करी जो है रेडी हो जाएगी। और शैलो फ्राई करने में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, तो देखिए काफ़ी ऑयल जो है वो बच गया है, वो मैंने निकाल दिया है अलग। ये सारा ऑयल मैं ग्रेवी में यूज़ नहीं करूँगी, तो कढ़ाई में इतना ऑयल है ये ऑयल मैं यूज़ करूँगी कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए। और कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, इसके बाद मैं इसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च के दाने डालूंगी। इनको हल्का सा रोस्ट करूंगी। उसके बाद मैं अनियन और जिंजर, हरी मिर्च और गार्लिक का जो दरदरा सा पेस्ट मैंने तैयार किया था चॉपर में वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको भूनूंगी अच्छे से। और पेस्ट जब मीडियम फ्लेम पे हल्का रोस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको सॉटे करते हुए थोड़ा सा रोस्ट करूँगी मसालों को। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में मैंने जो 1.5 टमाटर की प्यूरी जो है चॉपर में फाइन चॉप की थी मैं वो ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं लिड ढक के इसको थोड़ी देर कुक करूँगी। एक दो बार बीच में चेक कर लूँगी कहीं टमाटर जो है वो जल ना जाए। सो कोफ्तों की ग्रेवी एकदम पक गई है, रेडी हो गई है। इसके बाद मैं इसमें जो मैंने लौकी का पानी निचोड़ के अलग रखा हुआ था वो ऐड कर दूंगी। ऑल्सो उसके अलावा और पानी भी ऐड करूंगी। तो कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हम काफ़ी पानी यूज़ करेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि बाद में कोफ्ते ऐड होने के बाद कोफ्ते भी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए मैं शुरुआत से थोड़ी पतली रख रही हूँ ग्रेवी। बाद में अपने आप ही ये थोड़ी सी थिक लगने लगेगी और कोफ्तों की ग्रेवी वैसे भी थोड़ी सी पतली रखी जाती है। हे गाइस, सो मैंने कोफ्ते बना के रख दिए हैं। ऑल्सो मैंने जो सब्जी है करी कोफ्ते वाली वो भी छौंक दी है। तो मेरा जो मेजर काम है वो हो गया है। अब मुझे बस आटा मारना है, बच्चों को नहलाना है। तो क्योंकि अभी वेदर चेंज हो गया है प्रॉपरली, शिकागो में समर आ चुका है, तो मैं बच्चों को एवरीडे ही नहलाती हूँ। अब विंटर्स में ये था, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे नहलाती थी, बट अभी समर समर मैं एवरीडे ही नहलाऊंगी। तो काम थोड़ा सा और बढ़ गया है मेरा। और समर में, विंटर्स में क्या था, एक दिन का गैप हो जाता था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा नहलाने में तैयार करने में निकल जाता है। तो 9:40 अराउंड हो गए हैं, सब्जी वब्जी छुक गई है, तो मेजर काम जो है वो हो गया है। भूमि के लिए फूड बनाना है और आटा मार के रखूंगी। तो ये है, और फिर आपसे मिलती हूँ, मुझे फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे आप लोगों को अपने समर के क्लोथ्स जो हैं वो दिखाने हैं जो पुष्पेंद्र ने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं। सो, एक तो गर्मी है, ऊपर से कुकिंग करके आई हूँ और मैंने ना बालों में ऑयल और लगा रखा है, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि आज थर्सडे है, तो अदरवाइज मैं आज वॉश कर लेती। थर्सडे को यूजुअली मैं वॉश नहीं करती हूँ, मम्मी मना करती हैं कि मदर्स के लिए भारी होता है ऐसे कुछ, तो मैं थर्सडे को अवॉइड करती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ। सो मैं कल वॉश कर लूँगी हेयर्स, बहुत इमरजेंसी हो तो वॉश कर लेती हूँ बट यूजुअली अवॉइड करती हूँ। तो कल वॉश करूँगी। और यहाँ पर बच्चों की शैतानी चल रही है ऐसे ऐसे करके। तो चेंज है ये, मैंने भूमि को पहना दिए हैं कड़े दोनों हाथों में, ब्यूटीफुल से कड़े, और दिखा दो दिखा दो। तो क्या है कि जब सिया छोटी थी तब मैंने ये कड़े लिए थे, लेकिन सिया ने एक भी दिन नहीं पहने। जब भी मैं सिया को पहनाती थी उतार के फेंक देती थी, बट भूमि को मैंने पहना के देखे हैं, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है, ऐसे ना खेलती है ताली मार मार के। और मैं बच्चों के साथ थोड़ा खेल रही थी। मीनवाइल ग्रेवी में उबाल आ गया है, इसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी अपने हाथों से क्रश करते हुए थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, जिससे कि ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी। और कोफ्ते ऐड करने के बाद मैं कढ़ाई की लिड लगा के इसको 5-7 मिनट्स और कुक करूंगी, और उसके बाद हमारी करी एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगी। सर्व करने से पहले फ्रेश हरा धनिया ऐड करें। और अभी 9:50 हो गए हैं, तो मेरी कोफ्ता करी एकदम रेडी होने वाली है। यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया निकाल दिया है, ऑल्सो फ्रूट निकाल दिया है, जब भूख लगेगी तो फ्रूट कट करेंगे अभी। और आटा भी मैंने निकाल दिया है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आटा मार दूंगी। ये सारी तैयारी मेरी ऑलरेडी हो गई है और जो कोफ्ता करी है वो रेडी हो गई है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद मिक्स करके लिड ढक के थोड़ी देर रख दूँगी, तो गर्म मसाले की जो खुशबू है वो एकदम कोफ्ता करी में अंदर तक जो है कम्बाइन हो जाएगी।
सो भूमि को मैं सुला के आ गई हूँ और सिया यहाँ पर थोड़ी देर राइम्स देख रही थी, लेकिन अभी मैंने उसके राइम्स बंद कर दिए हैं। अभी सिया को नहलाने ले जाऊंगी और थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो सिया को थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो अभी मैं जल्दी से आपको कुछ क्लोथ्स हैं मेरे समर के वो दिखा देती हूँ। तो अभी ना कुछ वीक्स पहले मैंने पुष्पेंद्र को बोला था कि मेरे लिए एक दो शॉर्ट्स ऑर्डर कर दो समर के लिए, क्योंकि अभी समर है, बच्चों का भागते भागते काम होता रहता है, कभी नहलाना कभी कुछ। तो मैंने सोचा समर के लिए एक दो शॉर्ट्स ले लेती हूँ, एक दो मेरे पास ऑलरेडी हैं, एक दो और ले लूंगी तो समर में अच्छा काम चल जाएगा। वैसे भी शिकागो में 8 मंथ्स तो विंटर्स ही होती हैं, तो मेरे पास लेगिंग्स वगैरह ज़्यादा हैं, इसलिए मैं शॉर्ट्स कम ही लेती हूँ, क्योंकि शिकागो में 3 से 4 महीने मुश्किल समर होती है, उसमें भी अगर बारिश हो गई कुछ हो गया तो ठंडा मौसम फिर से हो जाता है। तो पुष्पेंद्र ने मेरे लिए एक दो शॉर्ट्स ऑर्डर किए, साथ में एक दो चीज़ें उन्होंने अपने मन से ऑर्डर कर दी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इट रियली गिव्स मी अ वेरी हैप्पीनेस कि उन्होंने अपने मन से भी कुछ ऑर्डर कर दिया मेरे लिए। तो मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो एक तो ये शॉर्ट्स है, आप देख सकते हो, तो ये घुटनों तक का है और स्मॉल साइज का शॉर्ट्स है। ये सारे कपड़े पुष्पेंद्र ने costco.com से ऑर्डर किए हैं, तो कॉस्को की जो वेबसाइट है उस पर समर के जो क्लोथ्स आए हुए हैं वहां से आप देख सकते हो। दूसरा एक और शॉर्ट्स है, ये तो ये है ग्रे कलर का है ये, और ये इस तरह से आएगा, घुटनों तक का है, आप देख सकते हो घुटनों तक का है, और इस वाली ब्रांड का है 32° Cool। तो ये समर में काफी कूल भी रहेगा पहन। और इसके अलावा एक लोअर जो है वो ये है, प्रिंटेबल लोअर, ये भी स्मॉल है, स्मॉल और इस तरह का पैटर्न का आएगा, देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, सो ये भी है, और इसके अलावा एक ड्रेस और ऑर्डर कर दी है, तो ये नी लेंथ की ड्रेस है इस तरह की, सो ये रेड कलर की ड्रेस है, इसमें पॉकेट्स हैं, और ये किस तरह के पैटर्न की है, इस तरह के पैटर्न की आएगी ये, देखिए ये है। तो यही है 3-4 चीज। सो मैंने उनको बोला था कि एक दो शॉर्ट्स ऑर्डर कर देना, बस उन्होंने एक दो चीज़ें अपने मन से ऑर्डर कर दी। तो हाँ, ये समर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें जो है समर के हिसाब से हैं, कंफर्टेबल कूल फैब्रिक है सबका। तो ये मैंने कई वीक से ना रखे हुए थे अलग से, और अब मैं इनको वॉश करूँगी अच्छे से, फिर ही इनको मैं जो है पहनूंगी, और अभी अपने हाथ जो है वो भी सैनिटाइज कर लूँगी। वैसे तो ये कई वीक से अलग से रखे हुए थे, बट फिर भी जस्ट फॉर द केस। सो अभी मैं सिया को यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पढ़ाई करवा रही हूँ। भूमि को मैंने ऑलरेडी नहला दिया और उसके बाद मैंने उसे सुलाया है, और सिया को मैं अभी नहलाने नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना आवाज़ होगी बाथरूम में। और आज मैंने ना सिया के बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये लगाई है हेयर क्लिप, ये मेरी हेयर क्लिप है बहुत पहले की, लेकिन मैंने इसको कभी लगाती नहीं थी, और आज मैंने सिया के लगा के देखी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी यहाँ पर थोड़ी भूख लग रही है हम लोगों को, तो ये कैंटलोपे जो मैं रख के गई थी थोड़ा सा ठंडा हो गया ये खरबूजा, तो इसको अब मैं कट कर लूँगी, पुष्पेंद्र को दे आऊँगी, और मैं सिया यहाँ पर बैठ के खा लेंगे। भूमि अभी सो रही है तो ये खा लेते हैं, और फिर सिया को मैं तब नहलाऊँगी जब भूमि जग जाएगी तब, अभी इसको कट कर लेते हैं फिर। सो मैंने सिया को तो दे दिया है खाने के लिए, सिया वहाँ पे खा रही है। ऑल्सो मैंने अपने लिए और पुष्पेंद्र के लिए भी चॉप कर लिया है, तो वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, उनको वहीं पे दे आती हूँ, और मैं यहाँ पे बैठ के खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं आटा मारूँगी, तो बस आटा मारने का काम रहता है, आटा मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, बाकी मेरा सारा काम जो है वो डन है, बस सिया को नहलाना है। और अभी मैं सिया को नहलाने ले जा रही थी कि अभी भूमि भी जग गई, तो उसका जगने का टाइम वैसे हो ही गया था, तो जग गई है वो, और मैंने डोर ओपन कर दिया है। उसके पापा की अभी कोई कॉल नहीं है, बट हाँ ऑफिस का काम चल रहा है तो देख लेंगे उसको। ऑल्सो मैं सिया को नहला के आ गई हूँ, फटाफट से मैं 5 मिनट्स में आटा गूँथ के तैयार कर दूँगी। सिया नहाने के बाद 5 मिनट्स खेलती है बकेट में पानी भर के, तो मैं उसको 5 मिनट्स खेलने के लिए छोड़ के आई हूँ, क्विकली मैं आटा मार के चली जाऊँगी और उसके बाद सिया को रेडी कर दूँगी फॉर द डे। और मैंने भूमि को लंच करा दिया है, टाइम हो गया है 12:30, तो मैं यहाँ पर कोफ्ता करी को फिर से थोड़ी सी गरम कर लूँगी, क्योंकि ठंडी हो गई है वो, और सर्व कर देती हूँ। गरम है इसलिए एक बड़े बोल में सर्व करूँगी, और गार्निश करूँगी फ्रेश हरे धनिए के साथ।
तो अभी हम लोगों का लंच हो गया है और अराउंड 1:20 हो गए हैं। अभी भूमि को भी खाना खिला दिया था, फिर कुछ एक आध छोटे छोटे रोटी के टुकड़े हमारे साथ भी उसने खा लिए। सो अभी ये लोग थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद मैं इन लोगों को सुलाने के लिए लेके जाऊंगी और फिर मैं ये ब्लॉग, चलो तो एंड करते हैं ब्लॉग, चलो ये मैं ब्लॉग एंड करती हूँ फिर यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय।